मोदी सरकार पर जंगी जुनून सवार लाइन ऑफ कंट्रोल दरा शेर खान सेक्टर पर भारतीय फौज ने आज अलल सुबह बिला इश्तेआल फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला शुरू कर दिया। भारतीय फौज की फायरिंग और गोलाबारी से मुतअद्दिद मकानात तबाह हो गए और दरा शेर खान के मकाम पर कमरेज नामी शहरी के घर गोला गिरने से उनके घर में मौजूद अफराद मोतिया बेगम उम्र 80 साल 17 साल इकरार लाख 11 साल इकरा 45 साल कनीज बेगम जख्मी हो गई। जख्मियों को मकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। भारतीय फौज की फायरिंग और गोलाबारी से जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। भारतीय फौज की फायरिंग से शदीद जख्मी 11 साल इकरा को कोटली अस्पताल से रावलपिंडी रेफर कर दिया गया है। भारतीय फौज की फायरिंग और गोलाबारी का पाक फौज ने मस्त जवाब देते हुए दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया। दुश्मन की चौकियों से आग भड़क उठी जिससे बड़े पैमाने पर भारतीय नुकसान होने की इत्तलात है। एक मैं आपको साथ साथ ये बताता चलूं कि भारतीय फौज गुज़श्ता कई अरसा से सीज़फ़ायर माहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों में मसरूफ है। यहाँ पर एहलिया ने इलाका ने अक़वामे मुत्तहिदा से यह मुतालबा किया है कि वो भारतीय जारियत का नोटिस लें। भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में अपने जुल्म बर्बरियत पर पर्दा डालने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिविल और नियाती आवाम पर गोले बरसा रही है। राजा जमील के न्यूज़ हजीरा आज़ाद कश्मीर।